हेलो अब वैशाली। अच्छा उस समय हम तुमको फोन किए थे तो तुम हमसे बात नहीं की, फोन वरुण को दे दी तुम। अरे नहीं नहीं ऐसा हमने जानबूझ के थोड़ी ना किया था, वो तो वरुण भैया दीदी से पतियाने के लिए इतने बेचैन थे बस यही लिए। अभी हम तुमसे बात कर सकते हैं ना? हाँ हाँ काहे नहीं कर सकते, अब जब चाहे 24 घंटे में हमसे कभी भी बतिया सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि तुम हमारे साथ ऐसा काहे की? देखिए अभी सब बात करने का ना कोनो मतलब नहीं रहा। काहे? देखो तुम्हारे लिए सब महज एक खेला होगा, हमारी जिंदगी पे तो भारी पड़ गया ना। देखिए हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं, हमारी दीदी बहुत अच्छी है, आप पुरानी सारी बातों को भूल जाइए, देखिए आपकी जिंदगी सवर जाएगी। देखो दूसरे को समझाना ना बहुत आसान होता है, लेकिन हम ना तुमको अब जिंदगी पर माफ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, हम आ रहे हैं ना आपके घर दिवाली में, आपको जितना कोसना होगा कोस लीजिएगा, अभी हम फोन रखते हैं, बाय। अभी तुमको इतना आसानी से हार मानने वाले में से नहीं है, तुमको तो अब जवाब देना ही पड़ेगा, तुमने हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? नहीं बाबू वो कहला फोन किया हमको? हेलो हरिहर बाबू प्रणाम। बेनी बाबू प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे महाराज कहाँ है, सब कुछ ठीक ठाक है ना? जी हाँ सब कुशल मंगल है। अब ये बताइए कि आप कैसे फोन किया भाई? देखिए जो आपके यहाँ अदालत का नोटिस आया था ना, उसके खिलाफ हम कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेने के लिए याचिका दायर किए थे, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। दिवाली के पहले आपको घर खाली करना पड़ेगा। बेनी बाबू क्या बोल रहे हैं आप? नहीं क्या बोल रहे हैं, दिवाली के पहले? देखिए देखिए हरिहर बाबू आप धैर्य और संयम से काम लीजिए, जैसे छुट्टी खत्म होगा दिवाली का फिर से कोर्ट में कुछ ना कुछ करेंगे, अरे अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। हे भोलेनाथ ये क्या हुआ? अरे दिवाली माथा पे है, ऊपर से इतना बड़ा मुसीबत, और तो और मेहमानों को भी बुला लिया हूं, अब इज्जत कैसे बचेगा भगवान? अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ कि ये मिठाई उठाई सब यहीं बनवा लूँ। हाँ यह ठीक रहेगा, अब बाकी दिवाली की तैयारी और दिवाली वहाँ कर लूँगा। ठीक है। अरे ये क्या है? ये जानती है मेरे घर का सबसे पुराना सेट है। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया सेट है। अच्छा ये वही सेट है ना जो माजी बता रही थी, बाबूजी को उनके किसी खास दोस्त ने उपहार में दिया था और बाबूजी इसको बहुत लकी मानते हैं। कोई भी तीज हो त्योहार हो शादी ब्याह, इसमें चाय पान कराने से उनके संबंध अच्छे रहते हैं ना? हाँ आप ठीक सुनी थी। जानती हैं इसको हम संभाल के अच्छे से साफ करके रख देते हैं, शाम को ना जो मेहमान आएंगे उनको इसी में चाय पानी कराया जाएगा, आप इसको अच्छे से संभाल के रख दीजिए। नहीं इसको पहले हम साफ कर देते। अरे नहीं नहीं ठीक है। अरे दीजिए ना हम साफ कर देते। नहीं आप रहने दीजिए, दीजिए हम साफ कर। अरे छोड़ दीजिए हम साफ कर देंगे, छोड़। बाबूजी ये क्या हो गया? बाबूजी तो हमारा अब जान ले लेंगे, अब हम क्या करें? आप चिंता मत कीजिए, हमारा कमरा में जाइए, वहाँ पे तकिया के नीचे से पैसे लीजिए और किसी को भेज के हेवी क्विक मंगवा लीजिए जल्दी से। हेवी क्विक? हाँ हेवी क्विक तो घर पर पड़ा है। अरे पड़ा है तो लेके आइए, जल्दी जाइए। ठीक।
भौजी, यह है ना। हाँ यही है। इतना सारा, ये तो वही वाला कहावत हो गया ना, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। कौन लाया ये? ये बाके भैया लाए थे, कह रहे थे ना कि बहुत काम का चीज है, इसको हर घर में होना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं तुम रे बाके भैया, ये जो फेविक्विक है ना बहुत काम की चीज है। न केवल ये टूटा हुआ कप, बल्कि कोई भी फूलदान, फर्नीचर, चमड़े की कोई चीज, जूता, चप्पल, सैंडल, कुछ भी हो, बड़ी मजबूती से चिपकाता है ये फेविक्विक। घंटों का काम मिनटों में कर देता है। अब हमको याद आया, हमारा एक प्यारा फूलदान था, उसको बाके भैया ने ना पलक झपकते ही जोड़ दिया था। हाँ हम भी प्यारी ननद, ये जो फेविक्विक है ना चुटकी में सब कुछ चिपका देता है। वाह भाभी, चुटकी में चिपकाए? अरे भाई इतना हंसी ठट्टा काहे हो रहा है? अरे घर में दुनिया भर का काम पड़ा है, तनी कामों पे ध्यान दो। अनुराधा तनी आके हमरा हाथ बटाओ, आओ। भाभी आप चुटकी में चिपकाइए, हम चुटकी में काम करके आते। चीनी 300 रुपया, बेसन 70 रुपया, मैदा 60। अरे ससुर, मार्केट में बेसन का कितना दाम है रे? इतना महंगा कैसे हो गया? असली चना का ना मालिक। ससुर, तो असली तुमको लाने के लिए कौन कहा था? हमको खाना था, तुमको मालूम नहीं कि सारा सब मेहमान लोगों को खाना है? अरे मार्केट में फेटुआ माल भी तो मिलता है, उसको लेकर चला आता। रधा कहीं का काजू 300 रुपया है, अभी डाल। दुल्हन जरा यहीं आइएगा तो। हाँ मेरा, दिवाली आ गया है तो हम चाहता हूं कि इस बार सारा मिठाई जो है ना आप ही बनाइए, कि घर में इतना सारा मेहमान लोग आ रहा है, पहली बार आपसे मिलेगा, तुम लोगों को लगेगा ना कि हरिहर बाबू की पुतोह जो है बड़ा गुणी है, तो हम चाहता हूं कि ये बात आप बने। बनाइए ना। जी बाबू जी। वाह ठीक है तो जाइए। अरे हरिया जी लगे हाथ बटाओ, महंगा सामान उठा कर आता। हमरा नाम भी हरिहर चौधरी। अरे झूठ मूठ में हलवाई पे पैसा काहे खर्चा करूंगा, जबकि घरे में एगो नौकरानी बैठी है, वहां बेनी बाबू हमरा नौकरी बजाएंगे और यहाँ घर में भतीजी नौकरानी का काम करे। दोनों के दोनों मुफ्त के नौकर। ये सब सामान इधर रख लो, ये देखिए चीनी, बेसन, मैदा, ये चाहिए ले जा सब। इतना काम मत करा, आखिर हाथ जला ले लूं ना।
लगाओ। हवेली को बनाने में बल्कि भी सालों साल लग गए। देखिए ना, टूटने में बिखरने में एक मिनट भी नहीं लगा। हे भोलेनाथ, बताइए ना भगवान, बताइए ना ऐसा का गलती हमरा से हो गया। उम्र में जाके हमरा रीढ़ के हड्डी को काहे तोड़ रहे हो? का करे बलगिरी, बोलिए ना। बोला बेटा, अब बस कीजिए भैया, चुप हो जाइए। अब यही लिखल था तो का कीजिएगा? अरे बहन, जेकर घर बिखरता है ना, उसी को पता चलता है। अब तो हमको समझे में नहीं आ रहा मलकिनी कि हम का करूं, कैसे करूं। भैया जी, हम टेंशन काहे लेते हैं? हम पर फेथ करिए ना, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना। अरे अब का कर लीजिएगा मेहमान, और अब तक आपने कर का लिया? अरे महाराज, घर छूटने का दर्द का होता है आपको का मालूम? घर होगा तब ना। आप तो खुद हमरे घर में घर जमाई बनकर रह रहे हैं। भगवान, इस सब दिन दिखावे से पहले हमको उठा काहे नहीं लिए भोलेनाथ? अब जीना नहीं जाना भगवान। शुभ शुभ बोली, काहे अनाप शनाप बक रहल बानी? अरे मरे तो जे हमने के ई हालत में कर दे ले। भैया जी, ये समय संयम से काम लेने का है। हम पर फेत रखिए। उरज किशोरिया का ईंट से ईंट बजा देंगे। भैया, अब देखिए ना, आप घर के बड़े होकर ऐसे टूट जाएंगे तो ये लोगों का क्या होगा? इस बार दीपावली हम लोग वो घर में मनाएंगे ना। माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान हम लोगों का बुरा नहीं करेंगे भैया जी, सब शुभ शुभ होगा भैया जी।
अरे हम लोग आपके साथ हैं ना भैया। देखता हूं कि हमारे भोलेनाथ जो है ना हमारा कितना इम्तिहान लेते हैं। हम हारूंगा नहीं भोलेनाथ, और हम आपका कसम खा के कहता हूं कि हम फिर से खड़ा होकर दिखाऊंगा अपने परिवार के साथ, फिर खड़ा होऊंगा।